मानसरा का सियाती मकाम नारान। गुज़श्ता रात होने वाली मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, वो भी जून जुलाई के महीने में। ये बारिश के मनाजर हैं और कुछ यहाँ पर छतरियाँ उठाए आगे पीछे घूम रहे हैं। ये सामने नाज़रीन जो आपको नज़र आ रहा है, ये झील सैफुल मलूक का ओपन इलाका है, जहाँ पर अभी बारिश और उसी के साथ साथ बर्फबारी के ये मनाजर आप देख रहे हैं। और बैक में ये झील सैफुल मलूक के पहाड़ हैं। यहाँ पर दर्जा हरारत 4 से 3 सेंटीग्रेड अभी तक बताया जाता है। ये बारिश के दौरान का मौसम है। आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं और मुसलसल आसमान से बादल बरस रहे हैं, साथ साथ रुई की तरह ये बर्फ़ के गोले भी ज़मीन पर आ रहे हैं। और सेहों की एका दुका तादाद है, लेकिन न होने के बराबर, जिस तरह आटे में नमक के बराबर है। ये खाली कुर्सियां पड़ी हुई हैं और होटल सेहों के मुंतज़र हैं, लेकिन गुज़श्ता रात के ये बारिश और बर्फबारी ने इस इलाके का जो मौसम था वो यकसर बदल दिया है। सेह आते हैं गर्मी से बचने के लिए, लेकिन यहाँ गर्मी तो क्या, सर्दी का दर्जा हरारत बढ़ गया है। ये सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। झील सैफुल मलूक के आसपास के पहाड़ों में बर्फ़ के मनाजर आप देख सकते हैं, वाज़े नज़र आ रहे हैं और बादल भी छाए हुए हैं। धुंध जो रुई के गालों की तरह पहाड़ों के साथ साथ भी दिखाई दे रही है। ये सामने मलका पर्वत का पहाड़ है और उसके ऊपर ये सफ़ेद चादर जो है ये बर्फ़ की है, और ये ताज़ा बर्फ़ है जो इन ही दिनों में, बल्कि गुज़श्ता रात जो होने वाली बारिश और बर्फबारी, ये उसके बाद का मौसम है। ये सुबह का मंजर है और ये झील सैफुल मलूक के नज़ारे इस तरह के हो चुके हैं। आदमी देखकर इसको दंग रह जाता है। सदियों से सियाह इसको देखते आ रहे हैं, लेकिन थकते नहीं हैं। मैं हूं मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं TMM न्यूज़।